दोस्तों, अगर आप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान स्नातक योजना को लेकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों अभी जो है स्नातक योजना को लेकर जो है इस वेबसाइट पे यानी इस कन्या उत्थान के इस वेबसाइट पे जो है कुछ अपडेट आया है। क्या क्या अपडेट आया है वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप दोस्तों आप LNMU दरभंगा की यूनिवर्सिटी यानी मिथिला यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है या फिर इग्नू की स्टूडेंट है तो यह वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो भी आप वीडियो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से हो या फिर आपका लिस्ट में नाम नहीं है, अगर लिस्ट में नाम है तो भी अगर आपको ये प्रॉब्लम आता है जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ अप्लाई करते समय कि नॉट ए वैलिड स्टूडेंट, इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है या रिकॉर्ड नॉट फाउंड का ऑप्शन इस तरह का कुछ दिखता है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या अपडेट आया है, ये इस तरह का परेशानी क्यों आ रहा है, इस चीज़ को मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल टेक विथ बिट्टू पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए, बिना देर किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं अभी इस वेबसाइट पे आया हूँ तो अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या अपडेट आया है। पहला मैं अपडेट बता रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे करके आएंगे, यहाँ पे फॉर एनी क्वेरी है ना, यहाँ पे दो तीन मोबाइल नंबर दिए गए थे, अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप वहाँ पर संपर्क करेंगे, हेल्प ले सकते हैं, कुछ भी पूछताछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें क्या हो रहा था कि उस नंबर पर कभी फ़ोन ही नहीं लग रहा था, बात ही नहीं हो रहा था। अब क्या किया गया है, उस यहाँ से जो उस नंबर को हटा दिया गया है। दूसरा एक अपडेट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये जो मेल दिया गया, इस मेल पे जब भी आप मैसेज करेंगे हेल्प लेने के लिए या समझने के लिए, तो यहाँ से आपको रिप्लाई नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान देखिएगा, ये इतना बड़ा चुतिया पंथी जो है इस वेबसाइट पर किया हुआ है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अपडेट आया है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपडेट क्या आया है। अगर दोस्तों आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो देखिए, इग्नू के लिए अपडेट आया है कि स्टूडेंट्स ऑफ इग्नू कांट रजिस्टर नाउ सिंस दियर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी हैव नॉट अपलोडेड कंप्लीट रिजल्ट। यानी इग्नू के यूनिवर्सिटी के जो है उस वहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें सभी स्टूडेंट का कम्प्लीट रिजल्ट जो है अपलोड नहीं किया गया है, जिसके कारण जो है वो रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। इसमें आगे भी मैं बताऊँगा क्या और अपडेट आया है, ये इस वीडियो को आप देखते रहे। दूसरा, अगर आप LNMU दरभंगा के स्टूडेंट है, आपका लिस्ट में नाम आया था, तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ देखिए, ये दिया गया है कि स्टूडेंट ऑफ LNMU दरभंगा कांट रजिस्टर नाउ सिंस दे रिस्पेक्टिवली यूनिवर्सिटी हैव नॉट अपलोडेड करेक्ट रिजल्ट। यहाँ ऊपर में कंप्लीट रिजल्ट था, अब इसमें करेक्ट रिजल्ट दिया गया है, यानी LNMU के जितने भी स्टूडेंट उसका करेक्ट रिजल्ट जो है अपलोड नहीं किया गया था, जिसके कारण जो है समस्या आ रही थी। तो मैं ये बता रहा हूँ, एक चीज़ तो आपने यहाँ देख लिया, अब दूसरा मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे आप लिस्ट में आप नाम चेक करने जाते हैं एलिजिबल स्टूडेंट में, यहाँ रिपोर्ट में आते हैं और लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट में आते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है चेक करने जाएंगे तो यहाँ से इग्नू का और जो है LNMU मिथिला यूनिवर्सिटी का जो है नाम ही यहाँ से हटा दिया गया है। अब जो है आप अपना लिस्ट में नाम यहाँ से चेक नहीं कर सकते, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं या फिर LNMU यानी मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ से नाम चेक नहीं कर सकते हैं। यहाँ से जो है LNMU का ऑप्शन जो है नाम हटा दिया गया है, जितने भी स्टूडेंट का नाम था उस सबको यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि उन सब का जो है करेक्ट रिजल्ट नहीं जारी अपडेट किया गया था, जिसके कारण फिर करेक्ट रिजल्ट आता है सबका अपलोड किया जाता है तो फिर से आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। अब ये परेशानी हो रही थी जिनको नॉट ए वैलिड स्टूडेंट, तो नॉट ए वैलिड स्टूडेंट मैं बता दे रहा हूँ, उस जैसे ज़्यादा करके जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा था, मैं बता रहा हूँ, जो कि सारा डिटेल सही रहने के बाद भी जो है नॉट ए वैलिड स्टूडेंट का ये इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसीलिए जो है और इग्नू के स्टूडेंट का इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था, तो इस कारण से जो है यहाँ पे जैसे करेक्ट रिजल्ट जारी नहीं हुआ था, अपडेट नहीं किया गया था, जिसके कारण जो है आपको इसमें से LNMU का हटा दिया गया है। जैसे ही करेक्ट रिजल्ट तैयार हो जाता है फिर से आपको इसमें शो कर जाएगा
अपडेट कर दिया जाएगा, तब जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करते समय जैसे यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आते हैं और रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ से जो है आप जो है क्या कर सकते हैं सही से रजिस्टर कर पाएंगे। यहाँ से इसको जैसे चार स्टेप टिक करना पड़ता है, इस सारे चीज़ को टिकअप करने के बाद जैसे आप कंटिन्यू पर जाइएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने इसको चारों को टिक कर दिया और ये कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप जैसे अप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे भी जो यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं तो यहाँ से भी आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का नाम हटा दिया गया है। जैसे अपडेट कर दिया जाएगा उस लिस्ट में फिर आपको नाम चेक कर लेना है, जैसे आएगा मैं फिर से चेक करने का एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, उसमें आप चेक करेंगे। जैसे इसमें आएंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रोल नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्कशीट नंबर और फादर नेम और गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल शो कर जाएगा। ऐसा इसलिए आ रहा था दोस्तों क्योंकि उनका जो है सही से करेक्ट रिजल्ट जो है जारी नहीं किया था, अपडेटेड नहीं किया गया था, इसके कारण जो है सब स्टूडेंट को इस तरह से परेशानी हो रही थी। ज़्यादा करके मैं बताऊँ तो LNMU और IGNOU के स्टूडेंट के साथ जो है परेशानी हो रही थी। अब जैसे हम यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ गए हैं तो यहाँ देखिए यहाँ हेल्प डेस्क में ये तीनों नंबर आपको शो करा होगा, मेन पेज पे नहीं शो करा है, अब यहाँ पे शो कर रहा है आपका, लेकिन इस तीनों नंबर पे आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ ध्यान से गौर से देखिएगा, नीचे वाला दो नंबर जो है दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे जो है आपका नाम चेंज कर दिया गया है, ऊपर वाले नंबर पे वो कुमार इंद्रजीत कर दिया, नीचे वाला पे अतुल कर दिया, लेकिन तीनों पे आप फ़ोन लगाइएगा तो आप जो है मतलब उनसे बात ही नहीं हो पाएगी। जब बात ही नहीं हो पाएगी तो ये चुतिया लोग जो है क्या कि अपना नंबर क्यों दिए हुए है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप LNMU या फिर IGNOU के स्टूडेंट है, अगर आपका नॉट ए वैलिड स्टूडेंट आ रहा है, मान लीजिए अगर आपका कोई और इसी किसी और यूनिवर्सिटी से है, अगर आप सारा डिटेल सही डाल रहे हैं और आपका नॉट ए वैलिड स्टूडेंट का ऑप्शन आता है तो यहाँ देखिए साफ तौर पे बता दिया गया है प्लीज कॉन्टेक्ट यूनिवर्सिटी इफ कैंडिडेट्स नेम ऑटो पॉपुलेटेड इज रॉन्ग। अगर सारा डिटेल सही होने के बाद भी आपका डिटेल यहाँ पर रॉन्ग बता रहा है तो डायरेक्टली आप कुछ कीजिए नहीं, आपको आप वेट नहीं कीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ आज 30 जनवरी को ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर शायद ये वीडियो अगर आपको कल मिले तो आप इस वीडियो को देखिएगा जरूर। यहाँ जो है आपको क्या करना है, आपको अपने यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ से सारा चीज़ सही करवा लेना है। इस फ़ोन के चक्कर में इस यहाँ पे जो हेल्प डेस्क का नंबर है या फिर मेल दिया हुआ है, इस मेल के चक्कर में पड़ेंगे दोस्तों आपका समय बर्बाद होगा, आपको 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। तो जल्द से जल्द जितना जल्द हो आप जाकर जो है वहाँ से सारा डिटेल सही करवा लीजिए। अगर आप LNMU के स्टूडेंट है या फिर IGNOU के स्टूडेंट है तो अभी वेट कीजिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।